वैसली भट्ट, मैं चाणक्या इस एकेडमी जम्मू सेंटर का डायरेक्टर हूँ। हमारे साथ ए के मिश्रा सर है, जिनको सक्सेस गुरु ए के मिश्रा सर के नाम से जाना जाता है सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज के लिए। और खबीर सर, डॉक्टर अब्दुल खबीर सर जो है, जो आर्किटेक्ट है मेनली इस प्रोग्राम के, जो ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट में डिप्टी डायरेक्टर है। मेन पर्पस हमारे ये प्रोग्राम इनके साथ करने का है, क्योंकि सर का विजन था कि हम ये प्रोग्राम करें, और हमारा पर्पस इस प्रोग्राम को करने को है कि हम ट्राइबल स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन जनरल को एक काउंसलिंग सेशन देना चाहते हैं। हमारे दो ऑल दो हमारे स्टेट में अच्छे खासे सिविल सर्वेंट्स अभी भी आ रहे हैं, बट कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि मेन स्ट्रीम में मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो सिविल सर्विसेज, स्टेट सर्विसेज में। इसीलिए हमने सर को यहाँ बुलाया है, ताकि वो क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर है, वो मोटिवेट करे स्टूडेंट्स को, सो दैट हमारा पार्टिसिपेशन स्टूडेंट्स का इन जनरल सिविल सर्विसेज के लिए बढ़ जाए। तो मैं सर को बोलना चाहूँगा कि वो बता दे इस प्रोग्राम के बारे में। मैं ए के मिश्रा, मैं चाणक्य अकेडमी का फाउंडर चेयरमैन हूँ। काफ़ी सालों पहले एक कल्पना हमने की थी, ओ एस अली भट्ट हमारे साथ वहाँ दिल्ली में काम कर रहे थे, कि जम्मू एंड कश्मीर के में एक माहौल बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिविल सर्विसेज की ओर लेके जाना है। और इसके लेकर के हमने करीब 6 साल पहले ये प्लान किया, और जम्मू में हमने यहाँ के सेंटर स्टार्ट किया। और ओ एस अली भट्ट ने काफ़ी अच्छा है कि इसमें माहौल बनाने में इसका मौका भी है। कई बार पहले भी हमने यहाँ इस प्रकार के कार्यक्रम किए हैं, और जोरावर सिंह ऑडिटोरियम में मेरे ख्याल से यही चौथा प्रोग्राम हम लोग का होगा पिछले कई सालों के अंदर में। जब भी हम आए, काफ़ी हॉल खचाखच भरा रहा है, लोगों का पार्टिसिपेशन, बच्चों का उत्साह रहा है। और जम्मू एंड कश्मीर की खासियत रही है कि यहाँ के बच्चों के अंदर लगन काफ़ी है। सिख अवेयरनेस की थोड़ी कमी थी, अभी भी थोड़ी सी कमी है, चूँकि जानकारी, इसलिए ट्राइबल इंस्टीट्यूट का हम स्पेशली शुक्रगुजार हैं कि लोगों ने इनिशिएटिव लिया है कि ट्राइबल बच्चों को भी कैसे सामने लेके आएँ। तो ये एक मौका है जिसमें सिर्फ ट्राइबल बच्चे नहीं, बल्कि जनरल में भी एक काफ़ी बड़ा अवेयरनेस प्रोग्राम के तौर पर आज कुछ ऑफिसर्स, सिलेक्टेड न्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट ऑफिसर्स हैं, वो भी सब लोग आज भी पार्टिसिपेट करेंगे। और हम कोशिश ये करने जा रहे हैं कि लोगों के अंदर में एक उत्साह भरें, उनको एक जानकारी दें, बेसिक फार्मूला समझाएं कि कैसे सिविल सर्विसेज के एग्जामिनेशन को एक साइंटिफिक तरीके से आप कम समय में इसको पूरा कर सकते हैं। आज चाणक्य अकेडमी के जम्मू कश्मीर में 2 सेंटर हैं, श्रीनगर में भी हैं, जम्मू भी हैं, और दोनों क्षेत्र मिलाकर करके मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में, खास करके यूथ मिशन यूथ ने काफ़ी बड़ा सपोर्ट देते, विश्वास दिखाते हैं, बड़ी संख्या में चाणक्य में, जम्मू और कश्मीर दोनों में अच्छे स्टूडेंट्स को भेजा है, ट्राइबल इंस्टीट्यूट ने भी भेजा है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम के बाद एक अच्छी जो जानकारी के साथ लोगों के अंदर एक अवेयरनेस और बढ़ेगा, और आने वाले समय में ये बहुत बड़ा एक केंद्र के रूप में डेवलप होगा। मैं इसी मकसद के साथ आज सेमिनार के लिए यहाँ पहुँचा हूँ, और जैसा कि आप ज्ञात होगा, मैं एक ऑल इंडिया में एक मोटिवेशनल टॉक के लिए मैं लगातार हर शहर के 2-3 में अलग अलग शहर के अंदर में जाता रहता हूँ। तो हमेशा मुझे एक बहुत बड़ा आकर्षण रहा है जम्मू आना, और इस बार फिर से देख करके आप सबों का सहयोग देखते हुए मुझे काफ़ी खुशी है। मुझे उम्मीद है कि इस मैसेज के माध्यम से बच्चों को ज़्यादा पहुँचने में आप हमारी मदद करें।